हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे आज सुबह सुबह। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो गाइज, आज मैं आप सबको जो है थोड़ा सा ब्रेसलेट के बारे में बताना चाहूंगी, बस थोड़ा सा, 2 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। ये जो ब्रेसलेट है, देख रहे हो आप लोग, रोज क्वार्ट्ज के साथ मैंने ब्लैक ऑनिक्स पहना हुआ है ना। तो इसका क्या बेनिफिट है? ये आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम हुई है, चाहे थर्ड पार्टी आई है, चाहे आप दोनों के बीच में निगेटिविटी आई है, चाहे उनके ऊपर किसी ने जो है ब्लैक मैजिक किया है या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो वो प्रोटेक्ट भी करेगा और आपके पार्टनर और आपके बीच में प्यार भी बढ़ाएगा। यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच जो रिलेशनशिप है उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये निगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करेगा, और दूसरा ये है कि आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। ठीक है, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपका आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ के साथ भी अच्छा अगर नहीं चल रहा है ना, तो उसके लिए भी आप ये यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि निगेटिविटी से बचना है तो आप सिर्फ ब्लैक ऑनिक्स ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको यही कहूंगी कि आप ब्लैक ऑनिक्स ले लीजिए, और अगर दोनों का चाहिए, निगेटिविटी और लव लाइफ दोनों के लिए एक ही में चाहिए, तो आप ये ब्रेसलेट ले सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है इस ब्रेसलेट के लिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैंने कहा था ना मैं 2 मिनट भी नहीं लूंगी। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आज हीलिंग नहीं करना है, चलिए हीलिंग नहीं करेंगे आज हम। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। काफी ज्यादा दुखी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन रोते हुए से दिख रहे हैं आज सुबह सुबह ही, देख रहे हैं उनकी आंखों से आंसू गिर रहा है। अगर नजदीक से मैं दिखाऊं आपको, एक मिनट, जस्ट मैं दिखा रही हूँ, देखो इनके आंखों से आंसू गिर रहा है ना। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसी ही है, यानी कि आज सुबह सुबह ये पर्सन रोए भी होंगे। इतनी ज्यादा तकलीफ, इतना ज्यादा दर्द, इतना ज्यादा खुद में खुद को तलाश करना, ये मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का। खुद में खुद को तलाश करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे बहुत ही एकदम से जो होता है ना कि उठते ही हमें किसी की याद आ जाती है, और हमें उस टाइम बहुत तकलीफ होती है। हमें लगता है कि यार काश वो हमारी लाइफ में होता है ना, लगता है ना, आपको भी लगता है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, साथ ही साथ ये दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है इनको लगता है कि अब जो हमारा रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया है, या उसमें कुछ भी वो नहीं है जैसा कि सोचा गया, जैसा कि किया गया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ बचा ही नहीं। इनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा आज सुबह सुबह ही इनको लग रहा था कि ये क्या है, मतलब इनके जो सपने हैं कई हद तक इन्होंने छोड़ दिए, दरकिनार हो गए ये पर्सन। आपने भी कहीं ना कहीं छोड़ दिया इस पर्सन को कि हाँ जब तुम्हारी ही मर्जी नहीं है तो फिर मैं जबरदस्ती करके करूंगी क्या या करूंगा क्या। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मेन है कि वो रिश्ता जो है ना जबरदस्ती का, ठीक है, तो वो रिश्ता जबरदस्ती का नहीं चाहिए था आपको। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पुरानी यादें जो है ना इनको पीछे की तरफ लेती हुई दिख रही हैं। ये पर्सन कई रातों से सोए भी नहीं है, एकदम से जो होता है ना कि इनको नींद नहीं आ रही है टेंशन की वजह से, हेडेक की वजह से। ये पर्सन
बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा है ये। इन्होंने अपनी होप ही खत्म कर दी है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि होप खत्म हो गई है अपनी लाइफ में, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरी जिंदगी उसके बगैर कैसे कटेगी या कैसे होगी। चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स भी। ओके ओके, मैं कार्ड्स को पहले देखना चाहती हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद ही ये सारी चीजें करना चाहती हूँ, मतलब कि बताना चाहती हूँ आपको अच्छे तरीके से, ताकि मैं समझ समझ के कार्ड बताऊंगी। आप थोड़ा सा ये करना, पेशेंस रखना अगर स्लो बोलूँ तो। चिकरी का कार्ड है। ओके ओके, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, सबसे पहले देखो आपके पार्टनर आपके साथ माइंड बहुत लगाते हैं, मतलब कि जैसे हो गया ना कि आपके साथ माइंड गेम खेलना है ना, ये इनका मुझे कुछ दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी तरीके से है ना आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, थोड़ा सा अपना माइंड लगाते हैं जरूर है आपके फीलिंग्स आपके इमोशंस, या कहें तो इन्होंने जो गलती की है उल्टा आपके ऊपर डालने की थोड़ा सा इनका रहता है। अगर कोई आप गलती करो, ये पर्सन गलती करे, तो ये पर्सन आपको बोल देंगे कि अरे तुमने ही तो किया था, तुम्हारी वजह से ही हो गया है ना। सो ये मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि सपने इन्होंने बहुत देखे हैं आपके, बहुत ही ज्यादा आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से सपने देखे हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत। लेकिन क्या है, यहाँ पे इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है जिसके कारण से ये रोने वाला एनर्जी आया है। अगर ये एनर्जी आपकी है यानी कि आज सुबह आप रोए हो तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ठीक, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम दिख रही है, एकदम से प्रॉब्लम दिख रही है, और ये पर्सन का मुझे जहां तक लगता है कि ये पर्सन अपने बिजनेस पे अपने जॉब पे ज्यादा फोकस करते हैं, लव लाइफ को छोड़ करके अगर बात करें कि इनका फोकस किस पे रहता है, तो इनका फोकस रहता है अपने करियर पे, अपने वर्क पे, अपने जॉब पे। चलो यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्सन है ये चाहते हैं सक्सेसफुल होना, बट मुझे लगता है कि इसी के कारण से इस पर्सन ने आपको डिच किया, यानी कि करियर में सक्सेसफुल होने के लिए ही इस पर्सन ने आपको डिच किया। ठीक, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप इंतजार करते हो अभी भी इस पर्सन का, आप सोचते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आप सोचते हो कि ये पर्सन आ जाएंगे और आपकी लाइफ फिर से बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ठीक है हो जाएगी खूबसूरत, बट यहाँ पे इस पर्सन से आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं कहूँ कि आपको चालाक बनना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अपने दिल में जो बातें होती हैं वो छुपाते बहुत ज्यादा हैं, अपने दिल में जो बातें होती हैं वो बताते नहीं हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। ये एक डबल माइंडेड जो होता है आदमी ना, डबल फेस दिखाने वाला, वो दिख रहा है मुझे ये पर्सन। ये पर्सन की एनर्जी क्लियरली दिख रही है, हालांकि आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, अबंडेंस आए, प्रोस्पेरिटी आए, ये रिलेशनशिप का जड़ मजबूत हो, है ना। चाहत तो है आपकी, बट चाहत ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, जब आप देने के लिए तैयार हो लेकिन आपके पार्टनर भी दे तो अब तो। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे सेल्फिश ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश दिखाई दे रहे हैं, और कमिटमेंट से हमेशा ये पर्सन भाग जाते हैं, कमिटमेंट देने से हमेशा ये पर्सन भाग जाते हैं आपको। ठीक, तो इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके, कहीं ना कहीं अपने जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, उसको जो है ये पर्सन प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने। ये पर्सन चाहते तो हैं, ये पर्सन को ऐसा तो फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके लिए अब जो है, देखो क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपके आने से इनकी लाइफ में जो ग्रोथ आई है वो जिंदगी भर ग्रोथ रह सकती है, जिंदगी भर ग्रोथ इनकी रहेगी। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके, कई हद तक आगे
जो है आगे के बारे में देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए ये मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन को थोड़ा सा वो दुख तो है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपने सोचा था कि ये पर्सन आपको देंगे, वो एक्सपेक्टेशंस ये पर्सन पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन पूरी नहीं कर पाए, वो दुख तो है इनके दिल में, दिमाग में, उनके उनके एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि इनको दुख है इस बात का। बट ये पर्सन जो है ना यहाँ पे नहीं हो पा रहा है इनसे, यानी कि ये पर्सन जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस रिश्ते में जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, यानी कि वो जो है ना आपके पार्टनर देने के होश में नहीं है, यानी कि कहे तो ये पर्सन उतना भी ज्यादा आपके लिए एक होता है ना कि सीरियसनेस है ना, तो वो सीरियसनेस कहीं ना कहीं वो कम मुझे नजर आ रही है, हो सकता है पहले थी बट अभी मुझे नजर नहीं आ रही है कि उतनी ज्यादा इनके दिल में, दिमाग में आपके लिए है सीरियसनेस। चलिए देख लेते हैं और क्या है एनर्जी। ज्यादा कार्ड्स हैं तो मैं नहीं ले रही हूँ ज्यादा कार्ड्स एक साथ। ओके, चलिए ठीक है। और देख लेते हैं, ये ज्यादा कार्ड्स हैं इसलिए मैं नहीं ले रही हूं। कार्ड्स निकालते हैं। ओके, ठीक है, अभी मैं इतने कार्ड्स ले रही हूं और जरूरत पड़ी तो मैं कार्ड निकालूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने रख रही हूँ। ओके, हम कार्ड्स की जरूरत पड़ी तो हम ये करेंगे। ओके, तो पहला है हैंग्ड मैन का कार्ड, यहाँ पे है द फूल, नाइन ऑफ रॉड्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ रॉड्स, ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड है मेरे पास यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं तो नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, देखो आज सुबह सुबह ही ये पर्सन रोए हैं, जिसका सबूत तो ये कार्ड भी बता रहा है, टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स भी दर्द वाला, तकलीफ वाला दिखा रहा है। टेन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि दर्द, तकलीफ, तन्हाई, बेचैनी, परेशानी है ना, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके, एकदम से एकदम जो है एकदम आपके पार्टनर एकदम से ज्यादा ही बेचैन मुझे दिखाई दे रहे है, ज्यादा ही बेचैन। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा जो है इतना ज्यादा कंफ्यूजन, वो कहीं ना कहीं जो है ना आपके पार्टनर को अपनी तरफ, यानी कि इनकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और इनको बाद में अफसोस होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देखो आपके पार्टनर काफी ज्यादा, काफी टाइम तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है इस पर्सन ने, काफी टाइम तक ये पर्सन ने हमेशा कमिटमेंट के बहाने कुछ ना कुछ आपको बोला है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आपके कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि नाइन ऑफ रॉड्स की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि एकदम से एकदम जो होता है ना कि
ये पर्सन डरते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल। ये पर्सन मुझे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों डरते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो है ना इनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप जो है ना एकदम से इस पर्सन के लिए जो है एकदम से इस पर्सन के लिए फोकस हो, और ये पर्सन को लगता है कि मैंने तो उसके साथ इतना गंदा बिहेवियर किया, इतना ज़्यादा जो है रूड बिहेवियर किया, इतना ज़्यादा गलत बोला उसको, बहुत ज़्यादा गलत बोला, और फिर वो मुझे मौका देना चाहती है या देना चाहता है। तो क्यों ना मैं जो है एक बार जो है ना उसे माफ़ी मांग लूँ। क्योंकि ये पर्सन आपको बार बार सोशल मीडिया पे स्टक करते हुए दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ताक झाक करते हुए दिख रहे हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना यहाँ पे आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ आपका जो रिश्ता है ना कहीं वो जो स्टक हो गया है या वो जो एक प्रॉब्लमेटिक हो गया है ना, तो वहाँ पे भी जो है ना ये जो पर्सन है रुकते हुए से दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये पर्सन सेल्फिश तो दिखाई दे ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, और अपनी खुशियों के बारे में, अपनी लोगों के बारे में ज़्यादा जानते हुए, ज़्यादा समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ना कि प्रायोरिटी है ना, तो प्रायोरिटी आप बाद में हो इनके लिए। देखो, इनके लिए इनके दोस्त आते हैं, इनकी फैमिली आती है, ठीक है, सबके आने के बाद आखिरी में जो एक हिस्सा बचता है ना वो हो आप इनकी लाइफ में, ठीक, वो थे आप इनकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कभी भी आपके लिए उस तरीके से सीरियस नहीं हुए जिस तरीके से इनको होना चाहिए, क्योंकि उसके इस पर्सन के अंदर उतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं थी, उतना ज्यादा मैच्योर नहीं है ये पर्सन कि आपके लिए ये सोचे। हाँ, ईगो दिखाने में, एटीट्यूड दिखाने में तो बहुत है ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, एकदम से एस ऑफ रॉड्स के एनर्जी से एकदम से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एकदम से होता है ना कि हाँ हम जो भी है हम करेंगे, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि शुरुआत करना है इस पर्सन को, शुरुआत करनी है इस पर्सन को, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है अब होता है ना कि जैसे कि इन्होंने अपने मन की बहुत की है, और अब जो है आज सुबह सुबह ये पर्सन यही सोच रहे हैं, सोच रहे थे कि बस बहुत हो गया, बहुत कर ली अपने मन की। सिर्फ अपने मन की सुन करके करना भी सही नहीं है, कभी कभी उसकी भी एडवाइस लेनी जरूरी है। कभी कभी हमें अपने पार्टनर के बारे में सोच करके और सीरियस सोच करके तभी कुछ करना चाहिए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपकी एनर्जी के अनुसार से कि आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, प्रपोजल दे करके एक एक बहुत बेहतरीन सा रिश्ता बनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके आपके साथ रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। ये पर्सन एक मौका चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर एक माफी मांगने से ही रिश्ता सही हो जाता है तो ठीक है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार भी हूँ। ये पर्सन तैयार हैं, लेकिन इनका बीच बीच में ईगो आ रहा है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और ये पर्सन वही है इंतजार करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। इंतजार मैनिफेस्टेशन, देखो रात को बहुत ज्यादा ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, हर नाइट है ना ये जो है आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं मंत्र देती हूँ जाप करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए उनको माला प्रोवाइड करती हूँ एनर्जाइज करके, ठीक है। तो
वो लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो लोग कर रहे हैं मेरी बताई गई टेक्निक के द्वारा, उन लोगों की एनर्जी दिख रही है ये, यानी कि आपके पार्टनर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, और ये आपके पार्टनर आपकी लाइफ में यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है नाइट के टाइम में आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन बस लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और ये पर्सन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक, इस रिलेशनशिप में यहाँ पे बैलेंस वाली एनर्जी है, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आना तो चाहते हैं, लेकिन ये लड़ाई झगड़े से मेन डरते हुए दिख रहे हैं कि लड़ाई झगड़े होंगे, तो ये पर्सन अपने आप को इनसिक्योर फील करते हुए दिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मेन एनर्जी यहाँ पे ये है, थोड़ा सा आप इनको ना बोले, मतलब कि उस तरीके से ट्रीट ना करें। देखो, बुरा तो सबको लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पार्टनर को डरा दें, धमका दें और ये कर दें वो कर दें, नहीं, थोड़ा सा पोलाइटली बात करना। आपके पार्टनर आते हैं आपकी लाइफ में तब, ठीक, क्योंकि ये पर्सन उतने मेच्योर नहीं है, जितना दिमाग आपका है उतना दिमाग इनका नहीं है, तो थोड़ा सा आपको वैसे यूज करना पड़ेगा इस पर्सन के दिमाग को, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा, जैसे हम बच्चे को समझाते हैं ना, वैसे ही समझाना पड़ेगा आपको। ठीक, सो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाय बाय।